तो कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल सुमित स्टॉक मैजिक में। तो IRCTC ने आज फिर से IRCTC के शेयर होल्डर्स को काफ़ी खुश करा। आज भी एक शानदार तेज़ी हमें IRCTC के शेयर के अंदर देखने को मिली। तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं, अब आपको इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए या इसे होल्ड करना चाहिए, या फिर अपना एक बार लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए, या फिर शॉर्ट टर्म प्लेयर्स को अभी इसके अंदर बाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मैं आपको इसी वीडियो के अंदर पूरा एक्सप्लेन करूँगा। अभी सबसे पहले आप लोग एक चीज़ समझ लीजिए, जो IRCTC शेयर है ना, ये लॉन्ग टर्म वालों को तो बेचने के लिए कोई ज़रूरत ही नहीं है। हमेशा देखो, ये लॉन्ग टर्म का एक बढ़िया स्टॉक रहेगा, आज नहीं हमेशा, कल परसों, जब तक इसका मोनोपोली बिजनेस है। तो सबसे पहली चीज़, जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेकर बैठे हैं उन लोगों को तो इसमें प्रॉफिट बुक करने का कोई इतना खास अंतर नहीं है, मतलब कि एक बार प्रॉफिट बुक कर ले नहीं, क्योंकि आप लोग क्या करो, सीधा सीधा बाय ऑन डिप करते हुए चले, वही आप लोगों के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। तो IRCTC के अंदर जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स थे, जो लोग 3 से 3,500 में लेकर बैठे थे, वो एक बार थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट पार्शियल बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बार स्टॉक ने थोड़ा सा रेसिस्टेंस फेस करा था, आपको याद होगा 2700 से 2800 के बाद। बट अभी ये चीज़ आप लोग समझिए, जो मार्केट है ना, अभी निफ्टी हमारे बुल रन चल रहा है, तो इसी के वजह से अभी तक IRCTC के अंदर कोई बड़ा करेक्शन हम लोगों को देखने को नहीं मिला। काफ़ी सारे लोग इसके अंदर बस यही रहे, सोचते रह गए कि भाई कब इसे बाय करें, कब बाय करें, और ये स्टॉक आपके देखते ही देखते डबल हो गया। तो जिसके साथ भी यह हो कमेंट सेक्शन में बताना, हमारे साथ भी हुआ था IRCTC। पर्सनली मुझको लग रहा था कि 3-4 हज़ार को क्रॉस नहीं करेगा, 3 से 3500 का लेवल, बट इसने सबको चौंकाते हुए शानदार तेज़ी दिखाई। तो कहीं ना कहीं IRCTC और Mindtree, जो हमारे ये दोनों शेयर है ना, इन्होंने शेयर होल्डर्स को भरपूर पैसा दिया है और आगे भी देते रहेंगे। बट एक चीज़ की देखो आप लोग समझिए, थोड़ा सा एक ओवर वैल्यूड नाम की चीज़ होती है मार्केट के अंदर, तो वो चीज़ आपको थोड़ा समझना है कि आपको प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हो तो बुक करके निकल सकते हो, बट अगर आप लोग लॉन्ग टर्म वाले हो तो आपको कोई दिक्कत इतनी नहीं होगी, होल्ड करते हो चलो, बढ़िया कंपनी है। अभी आप लोग देख सकते हो वॉल्यूम भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा खासा आ रहा है, मतलब कि ऑपरेटर जो है ना, भर भर के सबको पैसे दे रहा है इसके अंदर, सीधा सा समझो हर दिन 5-10% अप जाता है। शायद ही इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसा कोई स्टॉक हो जो अभी लास्ट के 1-2 महीने के अंदर स्मार्ट तरीके से इतना भागा हो। IRCTC, FNO का स्टॉक है हमारा एक, और Mindtree, ये दोनों स्टॉक आप लोगों को पता होगा बहुत तेज़ी के साथ भागे, तो इन्होंने दिल खुश कर दिया सब लोगों का। अगर आपका भी दिल खुश हुआ हो ना, और आपके भी पोर्टफोलियो में स्टॉक है, तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो कि इसके क्या टारगेट हो सकते हैं, क्या इसका बॉटम अभी बन गया है, 5600 से गिरेगा या क्या रहेगा। आप सब अपने व्यू दो, क्योंकि IRCTC ने अपने आप में सबको चौंका दिया, भाई इसका ना किसी को बॉटम पता चल रहा है, ना इसका ये पता चल रहा है कि कहाँ तक गिरेगा। तो आप लोग कमेंट में बताओ, देखते हैं कि कौन कहाँ तक करेक्ट होता है, और बात करते हैं स्पिल्ड के बाद। तो अभी आपको थोड़ा सा मेरे अकॉर्डिंग वेट करना चाहिए आफ्टर स्पिल्ड, बाय अगर करना है न्यू तो। बट इस स्टॉक के अंदर एक फंडामेंटल में आप लोग देख सकते हो, स्टॉक पी भाई यही सबसे ज़्यादा इसका ओवर वैल्यूड चल रहा है, लेकिन इसने तो सबको चौंका दिया। स्टॉक पी यहाँ पर 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, 30-50 के रेंज, यहाँ पर 200-300 चल रहा है बताओ, लेकिन स्टॉक हमारा नॉन स्टॉप भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सब देखो कुछ ऑपरेटर गेम होता है और बुल रन चल रहा है, तो इसी वजह से सारे शेयर होल्डर्स को इसका बेनिफिट मिलते हुए नज़र आ रहा है। अब आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अब तक आप लोगों ने अगर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा ना, तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को कर रहे हो मिस। देखो मैं आप सबको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, IRCTC जैसे शेयर कब भागेंगे आपको नहीं पता होगा, आप लोग बैठे होगे, बट मैं यहाँ पर बेस्ट पोर्टफोलियो वगैरह बहुत सारे शॉर्ट शॉर्ट कॉल देता हूँ, और ये मेरा चैलेंज है, जो आप 1 महीने 2 महीने में कमाते होगे वो 1 से 3 दिन के अंदर कमाओगे, क्योंकि मैंने खुद का एक सिस्टम बनाया है डिलीवरी का, जहाँ मैं आप सबको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, 5-10-15% आप लोग 1 से 3 दिन के अंदर डिलीवरी कॉल पर कमाओगे। तो फ्री चैनल है, आप जाकर पहले इसको एनालिसिस करो, देन उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो ट्रेड। बट मैं यहाँ पर शॉर्ट शॉर्ट प्रोवाइड करता हूँ, ऑलरेडी यहाँ पर 32,000 से ज़्यादा लोग हमारे चैनल के अंदर ज्वाइन हो चुके हैं। तो बिल्कुल फ्री चैनल है, आपको इसके लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, आप लोग वहाँ से क्लिक करके भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप लोग जब कंपनी के फंडामेंटल पर आओगे ना, तो एक चीज़ देखोगे, जो थोड़ा प्रॉफिट था ना वो बड़ा था, बट उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट या मार्जिन कम हो गया, बट अभी फिर से न्यूज़ आ रही है, जो अगला रिजल्ट आएगा काफ़ी बेहतर आने वाला है, क्योंकि आप लोग जानते हो कोविड का अब जो है वो थोड़ा ख़त्म सा ही हो लिया, मतलब अपने स्टेज एंड पे ही चल रहा है, तो इसके वजह से काफ़ी बम्पर बुकिंग हमें ट्रेन के टिकटों में अभी जो न्यूज़ आ रही है वो लेटेस्ट यही आ रही है, तो इसी वजह से इनका प्रॉफिट बढ़ेगा और स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग रहा है, तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण ये है।
दूसरा आप लोग देख सकते हो प्रमोटर के पास एक बेहतरीन स्टेक है अपने आप में 67% के आसपास, और DII FII का भी इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में मल्टी बैगर स्टॉक है और बहुत ज़्यादा रिटर्न देता हुआ आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए भी। अभी आप लोग इसको बिंदास होल्ड रखो, अभी ये पोर्टफोलियो से आउट वाला स्टॉक नहीं है, बट वैल्यूएशन का थोड़ा बहुत आप लोग भी कैलकुलेट करते रहिए बीच में। और चैनल पे आप लोग अगर पहली बार हो सब्सक्राइब करना, अगर आपको वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, जय हिंद।